इंजीनियरिंग का जो लीनियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का मैंने जो मेथड बताया था, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिवेशन मेथड और क्रॉस सेक्शन मेथड, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ये इतना बताया था। उसी से रिलेटेड पूरे क्वेश्चन सॉल्व होने वाले हैं और मैंने स्टार्टिंग के बेसिस में मैंने बता दिया था यूनिक सॉल्यूशन, मेनी सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन का क्राइटेरिया क्या होता है, ठीक है। तो इस वीडियो में देखेंगे कि उसमें डायरेक्टली जैसे इक्वेशन रहता था तो स्टैंडर्ड फॉर्म में जो रहता था, स्टैंडर्ड फॉर्म में रखा था कि एक्स प्लस बी वाई प्लस सी वन इज इक्वल टू जीरो, ए वन बी वन और ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू इज इक्वल टू जीरो, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में रहता था। तब हम उसको डायरेक्ट मेथड से मीन्स सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिवेशन जो टेक्निक था, क्रॉस सेक्शन मेथड था, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, इससे हमने सॉल्व किया था। लेकिन कुछ कुछ क्वेश्चंस क्या आएंगे जो डायरेक्ट स्टैंडर्ड फॉर्म पे नहीं दिखेंगे, तो उस कंडीशन पे एक्चुअली में क्या करना रहेगा उसको लेकर मैं वीडियो में आया हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दिख रहे हैं, यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर वन, क्वेश्चन नंबर टू, थ्री, मैं वन को लेकर जब हम देखोगे कि यहाँ से देखेंगे जिससे स्टैंडर्ड फॉर्म पे नहीं है, तो उसको स्टैंडर्ड फॉर्म पे लाने के लिए आपको क्या करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म पे लाने उसके बाद जो सॉल्यूशन है एज इट इज पहले जैसा करते थे वैसा ही करना है, ठीक। तो अपन देखते हैं कि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखो कि इक्वेशन यहाँ पर लिखा है सिक्स अपॉन एक्स माइनस वन माइनस थ्री अपॉन वाई माइनस वन इज इक्वल टू वन और लिखा है फाइव अपॉन एक्स माइनस वन प्लस वन अपॉन वाई माइनस टू इज इक्वल टू टू, ये यहाँ पर भी क्या है, टू है, ठीक। ये हमको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करने के लिए स्टैंडर्ड फॉर्म पे कैसे लाना है, पहला इसका मेथड क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म पे इसको कैसे लाना है। तो एक चीज देखेंगे कि दोनों इक्वेशन में क्या इक्वल दिखते रहते हैं, यहाँ पर देखो वन अपॉन एक्स माइनस वन, वन अपॉन एक्स माइनस वन, यहाँ पर एक कॉमन चीज है, यहाँ पर देखेंगे तो वाई माइनस टू और वाई माइनस टू, हमेशा इस टाइप का जब इक्वेशन रहेगा तो दोनों इक्वेशन में कुछ कुछ सिमिलैरिटीज रहेंगी, दोनों में सिमिलैरिटीज रहेंगे, एक वेरिएबल को लेकर एक वाई वेरिएबल को लेकर या कोई भी वेरिएबल यहाँ पर रहेंगे, तो दोनों वेरिएबल में कुछ कुछ सिमिलैरिटीज रहेंगे, उसको अपन क्या करेंगे, कुछ वैल्यू हम उसको क्या करने वाले हैं ले लेंगे। जैसे यहाँ पर समझाना देखो, यहाँ पर देखिए इसको लिख सकते हो सिक्स इंटू वन अपॉन एक्स माइनस वन माइनस थ्री इंटू वन अपॉन वाई माइनस टू इज इक्वल टू वन और इसको लिख सकते हैं फाइव इंटू एक्स माइनस वन प्लस यहाँ तो कुछ है नहीं इसके वाई माइनस वन माइनस टू इज इक्वल टू टू, ऐसा लिख सकता हूँ। अब यहाँ पर देखेंगे इस वैल्यू मेरे को क्या कॉमन है, दोनों में देखो ये दोनों कॉमन दिख रहा है, ये कॉमन दिख रहा है, एक इधर कॉमन दिख रहा है, इधर से देखेंगे तो ये कॉमन दिख रहा है और इधर से ये कॉमन दिख रहा है, तो इसमें जो दो सिमिलैरिटीज है उसको और इसमें जो सिमिलैरिटीज है उसको एक कोई टर्म्स ले लेंगे, हम कोई दूसरा वैल्यू ले लेंगे, जैसे कि इसको मैंने पी ले लिया और इसको मैंने क्या ले लिया, क्यू ले लिया। अब पी और क्यू यहाँ पर अपन वही करने वाले हैं कि पी और क्यू यहाँ पर क्या लिखेंगे, लेट या फिर अपन क्या ले लेते हैं वन अपॉन एक्स माइनस वन इज इक्वल टू मैंने पी ले लिया एंड वन अपॉन वाई माइनस टू इज इक्वल टू मैंने क्या ले लिया, क्यू ले लिया। दोनों को मैंने कंसिडर किया है, एज्यूम किया है कि इसकी वैल्यू ये, ऐसा हमको एज्यूम करना है, इसको पुट करके इसके जगह पर देखो क्या है सिक्स, इसकी वैल्यू मैंने क्या ले लिया पी, तो क्या हो गया सिक्स पी, यहाँ पास है माइनस तो मैंने ले लिया माइनस, इसकी जगह पर क्या लिया मैंने क्यू, यहाँ पास क्या हो जाएगा थ्री क्यू इज इक्वल टू वन ले लिया। फिर यहाँ पास देखेंगे फाइव पी प्लस यहाँ पास कुछ नहीं है, इसका मतलब क्या है, यहाँ पास वन है, कुछ नहीं मतलब वन है और इसकी वजह क्या है क्यू इज इक्वल टू यहाँ पास कितना है टू। देखिए ये अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म हमारा ये जो होता है उसके फॉर्म पे आ गया, सॉल्व करना बहुत इजी है। अब इसको ले लीजिए क्वेश्चन नंबर वन, इसको ले लीजिए क्वेश्चन नंबर टू और बाकी जिस मेथड से आप चाहते हैं उसको सॉल्व करना आप कर लीजिए, एक मैं सॉल्व करके दिखा रहा हूँ पूरा कंप्लीट से। चलो मैं एलिमिनेशन टेक्निक चेक कर लेता हूँ, उसको एलिमिनेशन मेथड से इसको मैं सॉल्व कर लेता हूँ, जब मैंने इसी से क्या किया करो यूज किया करो। इस एलिमिनेशन मेथड में क्या होगा कि हमको दोनों का एलसीएम लेना रहता है, एक एक पी का ले लेते हैं कि इसका लेते हैं जिसका भी ले लेते हैं, ठीक। थ्री से मैं देखो यहाँ पर देखो यहाँ थ्री और यहाँ पास कितना है वन, तो थ्री और वन का एलसीएम कितना आएगा वन ही आएगा, इसको कुछ मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर सिक्स पी माइनस थ्री क्यू इज इक्वल टू वन रखो, इसमें मल्टीप्लाई कर दो कितना हो जाएगा फिफ्टीन पी हो जाएगा प्लस यहाँ पास कितना हो जाएगा थ्री, थ्री से मैं मल्टीप्लाई किया यहाँ पास मैं किससे मल्टीप्लाई कर दिया थ्री से, इसको मल्टीप्लाई कर
इसको माइनस कर देता हूँ, इसको इसे मैंने क्या कर दिया, इसको इसे मैंने क्या कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया, या इसको इसे सब्ट्रैक्ट करो, जो भी कर रहे हैं क्या करते हैं, यहाँ बस क्या था, प्लस ए माइनस हो गया, प्लस तो माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस हो गया, तो ये माइनस का था। और यहाँ बस क्या, नहीं यहाँ पर देखो दोनों को साइन डिफरेंट है, इसको सब्ट्रैक्ट करने की भी जरूरत नहीं है, ये माइनस ए प्लस दोनों क्या हो गए, दूसरे को कैंसिल आउट कर दिए, कैंसिल आउट करने के बाद क्या हो जाएगा, ये सिक्स पी और ए प्लस पी कितना हो जाएगा, ये फाइव है ये सिक्स, कितना हो जाएगा 21 p इक्वल टू कितना हो जाएगा 7, यहां से p इक्वल टू कितना हो जाएगा 7 अपॉन 21 कट गया कितना बचा 1 अपॉन 3, तो p की वैल्यू कितना आ गया, p की वैल्यू आ गया आपके पास 1 अपॉन 3 आ गया। अब इस p की वैल्यू को हम क्या करेंगे, p की वैल्यू करेंगे, यहां पर सब्स्टिट्यूट कर दो, सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ p इक्वेशन किसी में भी करो, 1 में करो, 2 में करो, जिसमें भी करो, इक्वेशन नंबर 1 यहां करोगे कितना हो जाएगा 6p, p का वैल्यू आपका कितना है 3 माइनस 3q इज इक्वल टू 1, अब यहां कर दो 3 वन 3 2 जो यहां पर आ गया 2 माइनस 3q इज इक्वल टू 1, जब 3 का वैल्यू लेंगे तो इधर चला जाएगा, इधर चला जाएगा, ये 2 माइनस 1 हो जाएगा, सीधी सी बात है 2 का वैल्यू भी कितना हो जाएगा 1 अपॉन 3, ये क्यूब का वैल्यू आ गया, यहाँ पर सर क्यूब का वैल्यू भी आ गया, पी का वैल्यू कितना था 1 अपॉन 3, दोनों का वैल्यू क्या आ गया 3 3, यहाँ पर जब देखिए आप हम एज्यूम के थ्रू को देखो क्या है, क्यूब की जगह पर क्या आ जाएगा वाई माइनस 2, ये एक्स्ट्रा वर्क तो इतनी रहेगा, पर इतना तक करना था, एक्स्ट्रा वर्क क्या है कि लास्ट में जो भी वैल्यू आई थी उसको यहाँ पर प्रूव कर देना, जो कि हमने एज्यूम करके रखा है, यहाँ पर देखिए वाई माइनस 2 है क्यूब का वैल्यू, तो उसकी जगह पर मैंने लिख दिया ये 1 अपॉन 3, और p की जगह पर कितना था 1 अपॉन x माइनस 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन 3, इसको देखो ऊपर ले जाओ ये y माइनस 2 का वैल्यू कितना जगह 3, यहाँ पर क्या कर दिया मैंने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर बोथ साइड क्या कर दिया है पलट दिया है, यहाँ पर कितना हो जाएगा x माइनस 1 इज इक्वल टू जाएगा 3, तो यहाँ पर y के लिए हो जाएगा 3 प्लस 2 और x के लिए हो जाएगा 3 प्लस 1, तो y इज भी 5 एंड x इज इक्वल टू 4, दैट इज योर आंसर, ये आपका क्या आएगा आंसर आएगा, ठीक है। तो ऐसा हमको सॉल्व करना है और ये हमारा लास्ट क्या आएगा ये आंसर है, ये हमको ऐसा मिलने वाला है, ठीक है। मैंने ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 2 को यहाँ पर देखेंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि यहाँ पर 1 अपॉन रूट एक्स, यहाँ पर क्लियरली देखा देखो, यहाँ पर 1 अपॉन रूट एक्स को क्या ले लो p ले लो, यहाँ पर 1 अपॉन रूट वाई को क्या ले लो q ले लो, यहाँ पर सीधी सी बात है क्या हो जाएगा 2p प्लस 3q इज इक्वल टू, यहाँ पर जो भी रहा होगा मैंने लिखना भूल गया है, जो भी रहेगा जैसे कि मान लो 2 ये हो जाएगा 2, यहाँ पर 4 अपॉन यहाँ पर कितना 4 ये हो जाएगा माइनस 9q इज इक्वल टू माइनस 9 बन जाएगा, ये इसका क्या आएगा, अब वैसे ही आ गया जैसे यहाँ पास आ गया था, इसको एज इट इज सॉल्व करना है फिर उसको आंसर निकालना, मैंने एक टेक्निक बता दिया है इसको आप फॉलो करें और किसी भी टाइप के क्वेश्चन को ऐसा रिप्लेस करके आप क्या कर सकते हैं सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद एक टाइप का क्वेश्चन आता है आपका एप्लीकेशन टेस्ट, एप्लीकेशन ये तो क्या था कि स्टैंडर्ड फॉर्म पे नहीं था, स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं था, हमने उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट किया है, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद जो पहले का मेथड होता था हमने उसी से क्या कर दिया है सॉल्व कर दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि एप्लीकेशन बेस्ड में कोई भी टाइप से क्वेश्चन आ सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसमें हमको क्या करना है इक्वेशन पूरा बनाना रहेगा, यहाँ बस जैसा क्वेश्चन नहीं लिखा है, चलो हम क्वेश्चन पढ़ते हैं, इक्वेशन बस बनाऊंगा सॉल्यूशन आपको करेंगे, ठीक। यहाँ पर देखना कि अ मोटर बोट कैन ट्रेवल 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम, देखो जैसे कि यहाँ पर क्या है कि ये हमारा ये नदी का बहाव इधर है, ठीक है, ये आपका ये इधर मान लेते हैं कितना अप स्ट्रीम है और ये क्या आता है डाउन स्ट्रीम, ठीक। कई लोग ये समझ नहीं आता अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम का मतलब क्या है, तो डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम का मतलब है डाउन स्ट्रीम मतलब नदी जैसे नदी बह रहा है नदी दिशा जा रही है उधर का स्पीड को बोलते हैं अपन डाउन स्ट्रीम, उधर की स्पीड को अपन क्या बोलते हैं डाउन स्ट्रीम, और उसके अपोजिट साइड जाओगे तब अपन उसको क्या बोलते हैं अपोजिट स्ट्रीम मतलब जो बहाव होता है उसके उल्टे डायरेक्शन पे जाना होता है उसको अपन क्या बोलते हैं अप स्ट्रीम। तो एक मोटर बोट है, इस मोटर बोट ने बोला है कि मोटर बोट कैन ट्रेवल 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम, जब अप स्ट्रीम से जाता है यहाँ पर कितना आ रहा है जो 30 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करता है और 28 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, और ये
लगता है सेलना, मतलब दोनों को मिलाकर बोल रहा है, दोनों को मिलाकर बोल रहा है कि जब इधर जाएगा और इधर जाएगा तो अपन मान लेते हैं क्या कि स्पीड ऑफ हम बोट को मान लेते हैं कितना है कि एक्स किलोमीटर पर आवर, कितना है एक्स किलोमीटर पर आवर। तो इसका अप स्ट्रीम में क्या हो जाएगा, डाउन स्ट्रीम में क्या हो जाएगा, यहां पर लिखते हैं स्पीड इन अप स्ट्रीम, अप स्ट्रीम। अब ये किसका स्पीड ऑफ बोट, ठीक है, स्पीड ऑफ, स्पीड ऑफ क्या, स्टील वाटर, यहां पर क्या मान लेता हूं स्टील वाटर, यहां पर कितना मान लेता हूं y किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब है वाटर की स्पीड है, ये वाटर का स्पीड कितना y किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो अप स्ट्रीम में कितना हो जाएगा, अप स्ट्रीम का मतलब क्या है कि जब उल्टा दिशा में जा रहा हूं तो अपोज करेगा, तो कितना हो जाएगा ये x माइनस y, y की स्पीड से तो चल रहा है मेरा बोट, कितना से x से चल रहा है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है, इसलिए कितना हो जाएगा x माइनस y किलोमीटर पर आवर। इसको समझने की जरूरत है, वाटर की स्पीड y है और बोट की स्पीड क्या है x है, जब दोनों एक डायरेक्शन में जा रहा है इसका मतलब वो प्लस हो जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है इसका मतलब क्या हो जाएगा माइनस, माइनस इसलिए क्योंकि वो अपोज कर रहा है। तो स्पीड इन अप स्ट्रीम एंड स्पीड इन डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम में कितना हो जाएगा x प्लस y किलोमीटर पर आवर। अब तो टोटल में कितना लग रहा है 7 और लग रहा है, मतलब दोनों मिलाकर अप स्ट्रीम में जाने से और इसमें जाने से, हमको पता है कि टाइम इज इक्वल टू क्या होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो टोटल टाइम कितना लग रहा है, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो पहला डिस्टेंस कितना था यहां पर देखेंगे कि 30 किलोमीटर, कितना 30 अपॉन स्पीड, क्या डिस्टेंस कितना 30 और स्पीड कितना हो जाएगा, इसमें कितने कितने बोले अप स्ट्रीम, तो अप स्ट्रीम के लिए कितना है एक्स माइनस वाई प्लस, और डाउन स्ट्रीम में कितना बोला 28 अपॉन, यहाँ पर कितना हो जाएगा एक्स प्लस वाई, और दोनों मिलाकर कितना टाइम ले रहा है 7 आवर्स ले रहा है फर्स्ट कंडीशन पे, और सेकेंड कंडीशन में देखो क्या हो रहा है इट कैन ट्रेवल 21 किलोमीटर अप स्ट्रीम, मतलब क्या 21 किलोमीटर अप स्ट्रीम प्लस एट रिटर्न टू 5 या इट कैन ट्रेवल 20 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड रिटर्न इन 5 आवर्स, फाइंड द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टील वाटर एंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। यहां पर और थोड़ा सा क्वेश्चन यहां पर चेक होगा, इट कैन ट्रेवल अप स्ट्रीम है एंड यहां पर डाउन स्ट्रीम का भी दिया हुआ है, यहां पर उसको अपन देखेंगे, यहां पर मेरा ये 21 किलोमीटर का दिया है, क्वेश्चन थोड़ा सा मैं कंफर्म कर लेता हूं। तो यहाँ पर देखिए 21 किलोमीटर आप स्ट्रीम है रिटर्न इन 5 आवर, तो 5 आवर्स को भी आ जाते हैं, मतलब ये है कि 21 किलोमीटर आप स्ट्रीम में जाए जितना जा रहा है उतनी वापिस आएगा, इसका मतलब ये है कि 21 किलोमीटर एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा ये 5, मतलब ये बोल रहा है कि दोनों का मतलब कि जाएगा और आएगा, ठीक है, जाने का और आने का मिलाकर कितना रिटर्न बोला है बस ये रिटर्न इन 5 आवर, तो 5 आवर्स में वो वापिस आ जा रहा है, इसका वापिस आने के कारण मतलब क्या है कि दोनों का डिस्टेंस तो सेम रहेगा, जितना जा रहा है उतना डिस्टेंस वापिस आएगा, तो दोनों जाकर वापिस आने मतलब डिस्टेंस सेम ट्रेवल करें, 21 किलोमीटर आप स्ट्रीम बोला है तो वापिस भी 21 पे आ रहा है, तो ये इतना यहाँ पर सी हो गया। अब सेम चीज जैसे यहाँ पर क्वेश्चन था वैसे ही यहाँ पर भी आ गया है, यहाँ पर अपन क्या एज्यूम कर लेंगे, यहाँ पर 1 अपॉन x माइनस y इज इक्वल टू p ले लेंगे और 1 अपॉन x प्लस y इज इक्वल टू q ले लेंगे, ये वाला हमारा सेक्शन हो जाएगा 30 p प्लस 28 q इज इक्वल टू 7, और यहाँ से क्या आ जाएगा 21 p प्लस 21 q इज इक्वल टू 5। अब ये इक्वेशन 1 हो गया, इक्वेशन नंबर 2 हो गया, बाकी को सॉल्व करने का तरीका एज इट इज ऐसा ही करना है जैसा हमने पहले किया हुआ है, ठीक है। तो इतना ये जो चीज दिख रहा है कि कोई भी क्वेश्चन हो चाहे ये वाली टाइप के क्वेश्चन है या किसी टाइप के क्वेश्चन आए कि दोनों इक्वेशन को सिमिलैरिटीज देखना है कि दो सेक्शन को x वेरिएबल वाला है y वेरिएबल या कोई भी दूसरा वेरिएबल्स रहेंगे तो उसको अपन को सिंपली एज्यूम करना है, एज्यूम करने के बाद इसको अपन को क्या करना है
लिखना है, लिखने के बाद हम स्टैंडर्ड फॉर्म पे लाना है। स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब ये स्टैंडर्ड फॉर्म, इस फॉर्म पे लाने के बाद हम चाहे वो सब्स्टिट्यूशन मेथड हो, इलिमिनेशन टेक्निक हो, या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड हो, किसी भी मेथड से आप सॉल्व कर सकते हैं। मेरा मानना है कि आप क्या करो, इलिमिनेशन टेक्निक यूज किया करो, क्योंकि बेस्ट है, वो जल्दी हो जाता है। ठीक, तो इस मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, ऐसा आपको वैल्यू आ जाएगी। यहाँ से मैंने इक्वेशन निकालना सिखा दिया। मेरा एम सिर्फ ये था कि आप इक्वेशन कैसे निकालेंगे, कोई भी एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन हो, आप ऐसा क्या करेंगे, इक्वेशन बनाएंगे, इक्वेशन बनाने के बाद आप उसको सिंपली जैसे सॉल्व करते हैं वैसे ही करना है। सिर्फ आपको एप्लीकेशन क्वेश्चन को थोड़ा सा पढ़ना है, समझना है। ठीक है।